एल्विश यादव पिछले कुछ समय से काफी विवादों में है। पहले मुनव्वर फारूकी के साथ उनकी फोटो को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया, जिसके बाद मैक्सटर्न के साथ उनकी लड़ाई। अब एल्विश ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने धर्म मुनव्वर के साथ फोटो को लेकर हो रहे विवाद के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एल्विश ने वीडियो में सबसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। चलिए आपको आज की वीडियो में बताते हैं कि आखिर एल्विश यादव ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि एल्विश यादव ने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपनी ईगो को साइड करके मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद उनका तकरीबन 12 घंटे पहले एक यूट्यूब चैनल पर, उनके खुद के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में एल्विश यादव कहते हैं कि एक फ़ोटो मेरी मुनव्वर के साथ बहुत वायरल हुई, जिसे देखकर सब लोग बोल रहे हैं कि मैं उसे गले लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। कई लोग इससे नाराज़ हो गए हैं और मुझे फेक हिंदू और गद्दार बोल रहे हैं। गद्दार बड़ा शब्द है, लेकिन चलो मैंने आपकी बात सह ली। कई ने कहा कि एल्विश में ईगो बहुत ज़्यादा है और ये माफ़ी नहीं मांग रहा, तो ऐसा नहीं है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। एल्विश ने आगे बताया कि अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म पर एक नहीं हज़ार मुनव्वर कुर्बान है, उसको ना मैं अपना दोस्त मानता हूँ ना मेरा भाई, मेरे लिए मेरा धर्म सब है। एक बात आप लोगों ने पकड़ ली कि उसने माँ सीता को गाली दी, भगवान राम को गलत कहा, तो वो भी फिर जेल भी गया। आपको बता दें कि वीडियो में एल्विश यादव ने कहा था कि मेरी आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है उसे खत्म कर दो, हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म के साथ सदा खड़े हैं और मैं हाथ जोड़कर अपने हिंदू समाज से कहूँगा कि आपस में ना लड़ें, मैं आप सबसे सॉरी कहूँगा जिन्हें बुरा लगा। अब जैसे ही एल्विश यादव ने अपनी वीडियो शेयर कर सभी से माफ़ी मांगी, लोग भी इस पर तरह तरह से रिएक्ट करने लगे। ज़्यादातर लोगों ने एल्विश यादव का सपोर्ट किया। एक यूज़र ने लिखा, ब्रो सुनो, ये जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, कुछ लोग जिनका कोई काम नहीं होता वो बस दूसरों की गलतियाँ ढूंढते हैं। वहीं एक ने लिखा कि जो झुकना जानता है उसके आगे सब झुक जाते हैं, प्राउड ऑफ यू ब्रदर। एक ने कह दिया कि बस भाई आप बात ख़त्म, अपने ही अपनों से गुस्सा होते हैं और फिर माफ़ कर देते हैं और हम भी आपको माफ़ कर रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही बोल्ड स्काई के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।